Good morning, students. मोहन विषय के ऑनलाइन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है. मैं लक्ष्मी मिस आप लोगों को पद्य का दोहा नंबर 2 आज पढ़ाने जा रही हूँ. प्लीज कंटिन्यू. जैसा कि आप पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सूरदास के पद में कि उद्धव जब गोपियों के पास आते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की सलाह देते हैं तो गोपियाँ बहुत दुखी होती हैं और उद्धव की कड़वी बातें सुन करके वो लोग दुखी होकर के आपस में बातें करते हुए करिए ये दूसरे दोहे में बताया गया है. मन के मन ही मांज रही जाइए कहिए जाए कौन पे ओधो ना ही परत कहें कि हे उद्धव हम लोग मन ही मन बहुत सारे सपने बुन चुके थे कि श्री कृष्ण आएंगे तो उनसे हम लोग ये कहेंगे वो कहेंगे लेकिन जब उन्होंने आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए संदेश देकर के भेज दिया है तब हम लोग और करें भी तो क्या करें. अवधि आधार आस आवन की तनमन विकास रही अवधि आस आधार आवन की तनमन विकास रही जिसके आने की राह देख देख करके हम लोग अपने तन और मन दोनों की व्यथा दोनों के दुख को झेल रहे थे. अब तो वो वजह ही समाप्त कर दी श्री कृष्ण ने. उन्होंने तो सीधा भेज दिया है कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो. भला हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें तो कैसे करें. हम लोग तो सगुण मार्गी भक्ति हैं सगुण मार्गी श्री कृष्ण के प्रेमी हैं श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं. श्री कृष्ण के सगुण रूप का जिसने आनंद ले लिया हो वो भला निर्गुण मार्ग को कैसे अपना सकता है. अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दी हे उद्धव तुम्हारा ये जोग संदेश सुन सुन करके अब तो हमारे हृदय में जो बिरह की अग्नि थी वो अग्नि और भड़क उठी है. वो तो शांत होने का नाम नहीं लगी. श्री कृष्ण ने ऐसा कैसे किया हम लोगों के साथ उन्हें पता है हम लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं. चाहते होती गुहारी जी तहीं ते उतते धार बही अर्थात जिधर से हम लोग गुहार लगाना चाहते थे शिकायतें करना चाहते थे उलाहने देना चाहते थे उधर से ही तो उल्टी धारा बह निकली. अब तो उधर से कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं कोई लाभ नहीं. सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न रहे. सूरदास कवि गोपियों के मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब मर्यादा अब हमें किसी मर्यादा का पालन नहीं करना मर्यादा न लही. अंतिम पंक्ति में जो बताया गया है मर्यादा न लही अर्थात श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया है अब हमें भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे प्रेम की अवहेलना की है. तो अब हम लोग ही क्यों इस मर्यादा का पालन करें क्यों श्री कृष्ण के प्रेम के पीछे पागल रहें क्योंकि श्री कृष्ण ने तो हमारी सारी उम्मीदों को ही तोड़ कर रख दिया. आप इस पद को ध्यान से पढ़िए ध्यान से देखिए समझिए और हो सके तो प्रश्नों के उत्तर भी इसमें ढूंढिए पाठ्यपुस्तक से. देखिए इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि आपको समझना है बार बार पढ़ना है और समझना है. तब आगे की पढ़ाई मैं अगले क्लास में करूँगी. धन्यवाद.